हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन बास्केट। टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल जब डिवाइड करती है तो ये क्या करती है, एक मोनोलेयर बना लेती है। जैसे कि और ये कैसे डिवाइड करते हैं, फ्री सरफेस पे डिवाइड करते रहेंगे जब तक इनको ये फ्री सरफेस मिलती रहेगी और ये पूरी कवर नहीं हो जाती, तब तक ये डिवाइड करते रहेंगे और एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है नॉर्मल सेल्स में कि डिवाइड करके एक सेल्स के ऊपर दूसरी सेल्स भी डिवाइड करने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये फ्री सरफेस है तो यहाँ पर जो ये नॉर्मल सेल है ये डिवाइड करेगी और जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं उनकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो आरटीके काइनेज जो सिग्नलिंग पाथवे होता है वो शुरू होगा और उसकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर करके क्या करेंगे, एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेगी नॉर्मल सेल। तो जब तक ये फ्री स्पेस रहेगा यहाँ तक, जब तक ये पूरा कवर नहीं हो जाएगा तब तक ये डिवाइड करती रहेंगी। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। तो इसके बाद क्या होगा कि जब ये पूरा स्पेस भर जाएगा तो उसके बाद जो सेल्स हैं वो आपस में कांटेक्ट करने लग जाएंगी और जब कांटेक्ट होने लग जाएगा तो सेल्स आपस में सेंस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सिग्नलिंग पाथवे चल रहा था रैस मैप काइनेज पाथवे, उसको ये बंद कर देंगे कि अब जो स्पेस है वो पूरा हो गया, इसके बाद डिवीज़न नहीं होना है, तो ये डिवीज़न को स्टॉप कर देंगे और एक मोनोलेयर की तरह मोनोलेयर बना लेंगे। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, जैसे कि कैंसर सेल है, कैंसर सेल क्या होता है, बेसिकली सिंगल सेल ओरिजिन होता है। जैसे कि सेल है यहाँ पे, इसमें म्यूटेशन हो गया तो इससे क्या हुआ, इसने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया और कॉन्टैक्ट आपस में कॉन्टैक्ट होने के बाद भी इसने क्या किया, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल ने क्या किया, डिवाइड कंटिन्यूसली डिविज़न किया और एक मल्टीलेयर जैसी फॉर्म बना ली। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे नॉर्मल सेल में क्या होता है कि पहले वो सरफेस पूरा होने तक क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और जब उनका आपस में कॉन्टैक्ट होने लग जाएगा तो सेल डिवीज़न को इनहिबिट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर सेल में इसका अपोजिट होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल है वो क्या करती है, नॉर्मल सेल्स वो डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ, जो नॉर्मल सेल होते हैं वो डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ जो पैटर्न है उसको फॉलो करती है और उनका जो डिवीज़न है वो एक डेंसिटी होने के बाद क्या होता है, सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल में चाहे डेंसिटी कितनी भी हो जाए उनका जो डिवीज़न प्रोसेस है वो चलता रहता है और उनका जो ग्रोथ होती है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है। लेकिन जो नॉर्मल सेल है उनमें एक डेंसिटी होने के बाद जो है ग्रोथ पैटर्न जो है उनका ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उनका डिवीज़न सीज हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस की प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें एक कैंसर सेल जब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव कर जाती है ब्लड या लिम्फ के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्लेस वेयर दे फर्स्ट फॉर्म टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जहाँ पे कैंसर सेल फॉर्म होती है वहाँ से वो दूसरी जगह पे बॉडी के दूसरे पार्ट में मूव कर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इन मेटास्टेसिस कैंसर सेल ब्रेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर, ट्रेवल थ्रू द ब्लड और लिम्फ एंड फॉर्म ए न्यू ट्यूमर। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी ट्यूमर होता है जहाँ पे जो ओरिजिन हुआ था ट्यूमर का, जो पहला ट्यूमर बना था, प्राइमरी ट्यूमर बना था, उसमें से जो कैंसर सेल है वो टूट टूट जाती हैं और टूट के वो क्या करते हैं, ब्लड या लिम्फ के थ्रू एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में चली जाती हैं और वहाँ पर जाके वो सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब मेटास्टेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग मेटास्टेसिस इन ट्यूमर सेल ओवर एक्सप्रेशन ऑफ रोसी जीन अकर्स विच एनकोड ए प्रोटीन डेट प्रमोट एक्टिन असेंबली। तो जैसे कि जो ट्यूमर सेल होते हैं, बहुत सारे जैसे कि ट्यूमर सेल है, इनमें क्या होता है,
जो रोसी जो जीन होता है उसका ओवर एक्सप्रेशन होता है। रोसी जीन क्या करता है, जैसे इसकी फैमिली है CD20 या फिर रैक, इनमें क्या होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साइटोस्केलेटन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोबिलिटी और मोटिलिटी के लिए। तो ये इन जो ट्यूमर सेल है इनमें रोसी जीन का ओवर एक्सप्रेशन होगा, और ओवर एक्सप्रेशन होके ये क्या करेगा, एक प्रोटीन को एनकोड करेगा, वो प्रोटीन क्या करेगी, एक्टिन की असेंबली को प्रमोट करेगी। और जब एक्टिन फिलामेंट एक एक साथ असेंबल होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इनवेडोपोडियम। तो क्या होता है कि जो एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको इनवेडोपोडियम बोलते हैं। ये इनवेडोपोडियम क्या करता है, एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसको हम प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं। और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है, इस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्लाज्मिन क्या करता है, जो कि प्रोटीज होता है, ये दूसरे प्रोटीज के साथ मिलके क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देता है। जिससे क्या होता है, जो कैंसर सेल है या ट्यूमर सेल है वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स में चली जाती है और वहाँ से वो दूसरे बॉडी पार्ट में चली जाती है और वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटा स्टेटिस प्रोसेस। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी ट्यूमर है, यहाँ पे बहुत सारी ट्यूमर की सेल हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इन ये जो ब्लड वेसल्स हैं ट्यूमर सेल्स के साथ जो है ये, तो एंजियोजेनेसिस में ब्लड एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा। और इन ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन से क्या होगा, जो ब्लड होता है उससे इन ट्यूमर सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जिससे ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहेंगी और इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। तो और जो एंजियोजेनेसिस है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये किस में हेल्प करती है, ये मेटास्टेटिस की जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करती है। अब क्या होगा, जैसे कि ये ट्यूमर सेल है, इसमें रोसी जीन का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पे एक्टिन की असेंबली को प्रमोट कर रहा था। तो एक्टिन और मायोसिन मिलके क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम इनवेडोपोडियम बोलते हैं। ये इनवेडोपोडियम क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर आ जाता है, एक आउटर स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस ये इनवेडोपोडियम क्या करता है, एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। प्लाज्मिन क्या होता है, प्लाज्मिन एक प्रोटीज होता है, और जो क्या करता है, दूसरे प्रोटीज के साथ मिलकर क्या करता है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये एपिथेलियल सेल है, तो इसको क्या करता है, इसको जो प्लाज्मिन है दूसरे प्रोटीज के साथ मिलकर इसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। इससे क्या होता है, ये जो कैंसर सेल है ये बाहर आ जाती हैं, और बाहर आके ये क्या करती हैं, या ऐसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाती है। और ब्लड वेसल्स में एंटर करने के बाद ये कैंसर सेल ब्लड के थ्रू क्या करती है, एक बॉडी पार्ट से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में चली जाती है और वहाँ पे दूसरा ट्यूमर फॉर्म करती है। उस ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर। या तो इससे क्या होता है, सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो जो इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स है वो मेटास्टेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। जब ट्यूमर सेल ब्लड वेसल में एंटर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रावेसेशन। और जब वही कैंसरस सेल ब्लड वेसल से दूसरे बॉडी पार्ट में जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज हैं कैंसर की, इनमें जो ब्लड वेसल से वो हेल्प करती है, और मेटास्टेसिस की प्रोसेस में भी जो ब्लड वेसल से वो पार्ट लेती है। सो वी विल डिस्कस द अदर प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।